The Bajaj Auto is going to launch first CNG motorcycle in the world. बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों से हर कोई परेशान है। अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए बजाज कंपनी ने सीएनजी बाइक को मैदान में उतार दिया है। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को पुणे में लॉन्च किया गया। बजाज कंपनी ने सीएनजी बाइक का निर्माण किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बाइक लॉन्च समारोह का संचालन किया। बजाज कंपनी का दावा है कि यह सीएनजी से चलने वाला पहला दोपहिया वाहन है। इस बाइक में 125 सीसी का इंजन है। राजीव बजाज ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार को इस बाइक के लिए देश में सीएनजी पंपों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि दुनिया की इस पहली सीएनजी बाइक में क्या खासियत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com, मैं सत्येंद्र शर्मा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से दोपहिया वाहन मालिक खासे परेशान हैं। ऐसे में सरकार भी पेट्रोल डीजल का विकल्प तलाश रही है। इस समय बाजार में सीएनजी वाहनों की भारी मांग है। चार पहिया सीएनजी वाहन भी दौड़ते नजर आ रहे हैं। जहां ये सब डेवलपमेंट चल रहा है, वहीं टू व्हीलर सेक्टर की जानी मानी कंपनी बजाज ने अपनी सीएनजी बाइक लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की पहली सीएनजी बाइक है। इस बाइक का लॉन्चिंग समारोह पिपरीस चिंचवड़ में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान नितिन गडकरी ने बताया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत पहले 7वें नंबर का देश था, अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड द बजाज ऑटो इज गोइंग टू लॉन्च फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल इन द वर्ल्ड। This is a very important industry. The automobile industry is the most important industry in the country. I am really happy that when I taken charge as a minister, our automobile industry number was 7 in the world. But just 3 months before, we surpassed Japan and now our number is 3rd in the world. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सीएनजी बाइक की कीमत 1 लाख से कम होनी चाहिए। एक बार टंकी फुल होने पर यह बाइक 230 किलोमीटर का एवरेज देने का दावा किया गया है, लेकिन इस बाइक के लिए सीएनजी टैंक का पता लगाना शोध का हिस्सा है। मैं बजाज कंपनी को इस बाइक के निर्माण के लिए बधाई देता हूँ। आपको बता दें कि बजाज द्वारा लाई गई यह बाइक 3 अलग अलग मॉडल में उपलब्ध होगी। इन मॉडलों की कीमत 95,000, 1,05,000 और 1,10,000 के आसपास होगी। जल्द ये बाइक्स बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। इस सीएनजी बाइक की खासियत की अगर बात करें तो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक का नाम बजाज फ्रीडम है। इसकी इंजन क्षमता 125 सीसी की है। इसमें 2 किलो का सीएनजी टैंक है। सीएनजी टैंक सीट के नीचे लगा हुआ है। पेट्रोल टैंक के ऊपर तक सीएनजी टैंक के लिए एक सीट दी गई है। खास बात यह है कि इसमें 2 लीटर का पेट्रोल टैंक भी लगा हुआ है। वहीं इसकी औसत रेंज 230 किलोमीटर है। तो क्या आप कितने उत्साहित हैं इस बाइक को लेकर? साथ ही ये भी बताइए कि बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच सीएनजी बाइक कितना राहत देगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी .com। धन्यवाद।